बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। खापरखेड़ा भानेगांव स्थित श्री साई मंदिर स्थापना दिवस पालकी समारोह अवसर पर ओम श्री साई राम के भजनों के साथ शाम को साई मंदिर में पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा निकाली गयी। भानेगांव में श्री साई मंदिर की स्थापना वर्ष 2007 में की गयी थी। साई बाबा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी के तीसरे दिन की गई थी। गत 16 साल से भानेगांव में श्री साई बाबा पालकी समारोह व शोभा यात्रा का आयोजन निरंतर जारी है। शनिवार को सुबह 4:30 बजे श्री साई का मंगल स्नान, 5 बजे अभिषेक, 6 बजे श्री साई की आरती, 10 बजे भजन, दोपहर 12 बजे मध्यान्ह आरती, दोपहर 2 बजे कीर्तन, शाम 6 बजे साई बाबा की आरती के बाद रात 9:30 बजे तक अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए गए। शोभा यात्रा में भजन मंडल, 11 घोड़े, 2 ऊंट, 10 डिस्को लाइट, बग्घी, बाबलगांव बैंड, आकर्षक रोशनाई, लेसिंग पतक के साथ सजीव झांकियों का समावेश रहा। शोभा यात्रा साई मंदिर भानेगांव से शिक्षक कॉलोनी, उपास्य लेआउट, नवीन बिना, राम मंदिर, मुख्य बाजार पेट, अन्ना मोड़ आदि मार्ग से भ्रमण करने के बाद साई मंदिर भानेगांव में पहुँचने पर समापन किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में साई भक्त शामिल हुए। सबका मालिक एक और सभी धर्म समभाव ऐसी भावना रखने वाले साई बाबा, जिनका आज साई मंदिर से जो है साई मंदिर भानेगांव का वर्धापन दिन है, जिसके उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन मंदिर से किया गया है और भव्य यहां से रैली भी निकाली जा रही है। हमारे साथ साई भक्त और भानेगांव के माजी सरपंच रवि जी चिकले हैं। बहु क्या कहना चाहोगे, आज भव्य मेड़ोनुक यहाँ से निकाली जा रही है और वर्धापन दिन है, विविध कार्यक्रम का आयोजन, क्या क्या कहना चाहोगे? साई बाबा की जय हो। यहाँ पे हमारे यहाँ पे 18 सालों से साई बाबा का वर्धापन दिन हम बड़े खुशहाली से भानेगांव नगरी में, जब से बाबा का आगमन हुआ, बड़ा शांतता सुव्यवस्था इस गांव में प्रस्थापित हुई। श्रद्धा और सबूरी का जो प्रतीक है इस भानेगांव नगरी में, आपको इस माध्यम से आपको सभी को दिख रहा होगा और सभी के ट्रस्ट के सारे लोग, गाँवकारी, सभी साई भक्त बड़े जोश जुल्लास से इस बार और हमारी 18वीं जो वर्धापन दिन है, बड़ा जल्लोस से हम निकाल रहे हैं। साईं बाबा का संदेश हर घर घर में जाना चाहिए, हमारा यही संदेश। ये क्या संदेश देना चाहूँगे इस भानेगांव जनता को? भानेगांव नगरी को शांतता सुव्यवस्था का तो संदेश ही साईं बाबा की प्रतीक है, श्रद्धा और सबूरी का प्रतीक है बाबा। सब धर्मों का यहाँ पे उनका एक संदेश है, यही संदेश घर घर में जाना चाहिए, यही हमारा सही है। आज 18वां वर्धापन दिनानिमित्त साई पालखी संपूर्ण भानेगांव खापरखेड़ा नगरीतून भ्रमण करत मोठ्या उत्साहात पार पडणारा हा सोहळ्याला हजारो भाविक सहभागी होतात। साई बाबांनी सर्वांना सुख समृद्धी द्यावी हीच साई चरणी अपेक्षा व्यक्त करतो। दरवर्षीप्रमाणे इथे साई पालखी आपण काढतो आणि सगळेजण अत्यंत उत्साहाने, प्रचंड श्रद्धेने असे सगळेजण जमलेले असतात। खूप मेहनतीने आणि श्रद्धा मनात घेऊन सगळेजण या साई रॅलीमध्ये आपला प्रतिसाद आणि सहभाग ठेवतात। खुशी आहे की आज भानेगांव में साई बाबा की आरती बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अपने इतिहास के कई महापुरुष, उन महापुरुषों को यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इन बिसन न्यूज के लिए खापरखेड़ा से मयूर तिरपुड़े की रिपोर्ट।